हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रमिता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, यानी इमरजेंसी में यूज़ किया जाने वाला प्रेगनेंसी रोकने का तरीका। इसके लिए बहुत सारे टैबलेट आते हैं। कॉपर टी को भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो एक तरह का प्रोजेस्टेरोन होता है, जो आपको मार्केट में आईपिल, अनवांटेड 72 और भी बहुत सारे नामों से मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पिल को कब यूज़ करना चाहिए, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, ये कैसे प्रेगनेंसी को रोकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसका फेलियर रेट कितना है। इस पिल को कब यूज़ करना चाहिए? अगर आपने कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट किया है और आप रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस समय प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप इस गोली को ले सकते हैं। अगर आप बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्डोम, वो रप्चर हो गया, स्लिप हो गया, तब भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, जो कि 21 दिन खाने की दवाई होती है, तो उस कंडीशन में अगर आपने दो या दो दिन से ज़्यादा इस गोली को मिस कर दिया है, तब भी आपको इस पिल को यूज़ करना चाहिए अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। ये जो पिल होता है वो एक तरह का प्रोजेस्टेरोन है, जिसको लियोनॉर्जेस्टेरोन बोलते हैं। इसका डोज जो होता है 1.5 मिलीग्राम होता है, इसकी एक ही टैबलेट होती है। इसको ख़रीदने के लिए आपको किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने की ज़रूरत नहीं है, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है। आप कभी भी फार्मेसी से ख़रीद के इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको किस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप कोई भी रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड होता है उसे डिस्कस करना चाहिए और आपके लिए जो भी सूटेबल हो उसे रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। इस जो एक गोली है उसको जब भी आपका अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट होता है तो बार बार नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बॉडी को काफ़ी हार्म हो सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रोजेस्टेरोन का डोज होता है वो हाई होता है। जिस महीने में आपने लिया है इस गोली को, उस महीने आपका पीरियड जल्दी आ सकता है, और अगर इसको आप बार बार यूज़ करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन के और भी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेडेक, ब्रेस्ट पेन, एक्ने और वेट गेन और भी कई सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपने इस गोली को ली और आपका पीरियड मिस हो गया, उस समय भी आपको डॉक्टर के पास जाके कंफर्म कराना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है, और प्रेगनेंसी है तो ये सही जगह पे है कि नहीं, क्योंकि इस गोली को लेने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है, बच्चेदानी में होती है, और इसके अलावा कहीं और प्रेगनेंसी का रुकना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस गोली को लेना कैसे है। जब भी आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ हो, उसके 72 आवर्स के अंदर जितना जल्दी हो सके आपको ये टैबलेट लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे इसका फेलियर रेट बढ़ता जाता है। मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो है इसका 24 आवर्स के अंदर देखा गया है। तो फ्रेंड, जितना जल्दी हो सके इस टैबलेट को ले लें। इस टैबलेट से 5 से 20% लोगों में नौजिया, वॉमिटिंग पाया गया है, तो इसलिए इस गोली को लेने से पहले आप कुछ खा लें। इसके साथ आपको उल्टी रोकने की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में देखा गया है। अगर आपने गोली ली और उसके 2 घंटे के अंदर आपको उल्टी हो गई, तो आपको फिर से गोली लेना है, और इस बार आप चाहें तो उल्टी रोकने की दवाई भी साथ में ले सकते हैं। ये गोली काम कैसे करती है, कैसे प्रेगनेंसी को रोकती है? तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है उसमें महिला में हर महीने अंडाशय से अंडा निकलता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद स्पर्म जो है वो योनिमार्ग से ट्यूब में आता है, वहाँ पे एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और ऐसी प्रेगनेंसी होती है। तो ये गोली जो है वो अंडाशय से अंडे को निकलने से रोकता है या उसको डिले कर देता है, इस तरह से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो गई है तो ये उसको नुकसान नहीं करता, ये एक एबॉर्टिफिशन नहीं है। तो जैसे ही आपका पीरियड मिस हो, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो 85 to 95% है, यानी कि 85 to 95% केस में ये प्रेगनेंसी होने से रोकता है।
एक और तरीका है जिसको एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जा सकता है, वो है कॉपर टी। कॉपर टी को हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के 5 दिन के अंदर लगा सकते हैं। इससे आपको अगले 5 से 10 साल तक के लिए प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन मिलेगा। ये मेथड जो है मेनली हम उन फीमेल्स को एडवाइस करते हैं जिनको पहले से एक बेबी है और वो कोई भी रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि इस पिल को आप लोग कभी भी रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ ना करें। बार बार इसको यूज़ ना करें कि जब भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ तो एक गोली खा लिया, क्योंकि इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन का डोज होता है वो काफ़ी हाई होता है और इससे आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपके बॉडी को हार्म हो सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो 21 दिन खाने की गोली आती है, एक गोली आती है जो कि आपको हफ्ते में 2 दिन खानी होती है शुरू के 3 महीने तक, उसके बाद से आप इसको हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, कॉपर टी लगवा सकते हैं, 3 महीने का इंजेक्शन आता है वो लगवा सकते हैं, और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप और आपके हस्बैंड नसबंदी भी करा सकते हैं। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, इन सारे मेथड को डिस्कस करिए और आपके लिए जो भी सूटेबल है उसे रेगुलरली यूज़ करिए। धन्यवाद।